डीडी किसान बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। किसानों को अब आसानी से मिलेगा बाजरे की उन्नत किस्म का बीज। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने आंध्र प्रदेश की संपूर्णा सीड कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने उत्तरी राज्यों द्वारा क्रियान्वित कृषि योजनाओं की मध्य अवधि समीक्षा करने के लिए आयोजित किया क्षेत्रीय सम्मेलन। राज्यों से समय पर धनराशि का आवंटन सुनिश्चित करने का किया आग्रह। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए केंद्र सरकार ने उठाया बड़ा कदम। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने पराली जलाने पर जुर्माने के तय किए नए नियम। जमीन के आकार के आधार पर अब तय की जाएगी जुर्माने की राशि। उदयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ चार दिन से चला आ रहा महापर्व छठ संपन्न। बिहार समेत देश के तमाम हिस्सों में घाटों पर श्रद्धालुओं की देखी गई भारी भीड़। और अब समाचार विस्तार से। देश के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा अलग अलग फसलों की कई नई उन्नत किस्में विकसित की जा रही हैं, लेकिन इस किस्मों की मांग अधिक होने के चलते ये किस्में सभी किसानों को नहीं मिल पाती हैं। और इसी कड़ी में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित बाजरे की उन्नत किस्मों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए विश्वविद्यालय ने तकनीकी व्यवसायीकरण को बढ़ावा देते हुए आंध्र प्रदेश की संपूर्णा सीड कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बी आर कंबोज ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित उन्नत किस्में ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचे, इसके लिए विभिन्न राज्यों की कंपनियों के साथ समझौता किया जा रहा है। उपरोक्त समझौते के तहत विश्वविद्यालय द्वारा विकसित बाजरे की HHB 67 संशोधित 2 का बीज तैयार कर कंपनी किसानों तक पहुंचाएगी, ताकि उन्हें इस किस्म का विश्वसनीय बीज मिल सके और उनकी पैदावार बढ़ सके। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने उत्तरी राज्यों द्वारा क्रियान्वित कृषि योजनाओं की मध्य अवधि समीक्षा करने के लिए 7 नवंबर को कृषि भवन नई दिल्ली में एक क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा तथा केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर, लद्दाख और दिल्ली के प्रमुख अधिकारी इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में प्रगति का मूल्यांकन करने तथा चुनौतियों का समाधान करने के लिए एकत्रित हुए। बैठक के दौरान सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने राज्यों के समय पर धनराशि का आवंटन सुनिश्चित करने तथा राज्य अंशदान और एकल नोडल खाते की धनराशि से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने का आग्रह किया। इस अवसर पर ऋण पहुंच बढ़ाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड मिशन, जोखिम कम करने और फसल बीमा का विस्तार करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और डेटा आधारित कृषि को आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल कृषि मिशन जैसी प्रमुख पहलों की व्यापक समीक्षा की गई। नवंबर का महीना शुरू होते ही किसानों ने गेहूं की बुआई की तैयारी शुरू कर दी है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि 1 से 15 नवंबर के बीच का समय गेहूं की बुआई के लिए सबसे उचित होता है। इस दौरान तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, जो कि अंकुरण के लिए आदर्श माना जाता है। यदि बुआई का काम नवंबर के अंत तक खींचा जाए तो फसल के उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। ऐसे में जिन किसानों ने अभी तक गेहूं की बुआई की तैयारी शुरू नहीं की है, उन्हें विशेषज्ञों की सलाह पर अमल करते हुए जल्द से जल्द इन प्रक्रिया में जुटना चाहिए। गेहूं की अच्छी फसल के लिए मिट्टी का सही प्रकार, नमी, बीज की गुणवत्ता और बुआई की गहराई पर ध्यान देना जरूरी है। इन बातों का ध्यान रखने पर
उत्पादन प्रभावित हो सकता है। दोमट मिट्टी को गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है और इसी तरह से बुआई से पहले मिट्टी का परीक्षण करवाना, उसमें आवश्यक पोषक तत्वों की जांच करना भी अहम होता है। खेत में नमी की मात्रा का भी ध्यान रखना जरूरी है। बहुत अधिक पानी से ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, जिससे बीज सड़ने लगता है और अंकुरण में भी परेशानी होती है। अंकुरण के लिए आदर्श तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस सबसे उपयुक्त माना जाता है। ठंडे तापमान में फसल धीरे धीरे बढ़ती है। और आज के समय में किसानों को सब्जियों की खेती में अधिक फायदा होता है, क्योंकि सब्जियों की बढ़ती डिमांड और कम पैदावार के कारण सब्जियों के अच्छे रेट मिलते हैं, जिससे किसान कम समय में ज्यादा कमाई कर लेते हैं और खर्चा भी कम आता है। दरअसल लोबिया की खेती किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है। लोबियों का प्रयोग कई रूप में किया जाता है, जिस कारण इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। प्रोटीन से भरपूर होने के नाते शाकाहारी भोजन करने वाले लोग इन्हें अब प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे किसानों को लोबियों की खेती फायदे का सौदा साबित हो रही है। लोबियों की खेती करने वाले किसान ज्यादातर सब्जियों की खेती करते हैं, जिसमें लौकी, तुरई, हरी मिर्च और लोबिया आदि हैं। करीब एक बीघा में 2000 से 2500 रुपये लागत आती है, तो वहीं मुनाफा करीब एक फसल पर 80 से 90,000 रुपये तक का हो जाता है। चूंकि लोबियों की पैदावार कम होती है और इसीलिए खेती कम ही किसान करते हैं, जिससे लोबियों की डिमांड बाजारों में काफ़ी रहती है और ये अच्छे रेट में जाती हैं। और इसकी खेती करना बहुत ही आसान है। खेत की 2 से 3 बार जुताई की जाती है और उसके बाद पूरे खेत में गोबर की खाद और उर्वरक का छिड़काव किया जाता है। खेत को बराबर करके लोबियों के बीज की बुआई की जाती है और जब पेड़ थोड़ा सा बड़ा होने लगता है तो तब इसकी सिंचाई कर लेते हैं। वहीं इसकी बुआई करने के महज 2 से 2.5 महीने के बाद फसल निकलना शुरू हो जाती है और इसे हर दिन तोड़कर बाजारों में बेचा जा सकता है। कम क्षेत्र में अधिक आमदनी के लिए मशरूम की खेती अच्छा विकल्प है और इस कारण से युवाओं और किसानों में इसके उत्पादन के लिए रुझान बढ़ा है, जिसको देखते हुए विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्रों आदि संस्थानों पर किसानों को मशरूम उत्पादन के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और इसी कड़ी में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के साइना नेहवाल कृषि प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण एवं शिक्षा संस्थान द्वारा मशरूम उत्पादन तकनीक पर 3 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के विभिन्न 16 जिलों से युवा और किसानों ने भाग लिया। वक्फ बोर्ड में सुधार को लेकर संयुक्त संसदीय समिति JPC के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कर्नाटक हुबली में उन लोगों से मुलाकात की जिनकी जमीनों पर मालिकाना हक को लेकर वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है। JPC अध्यक्ष ने कहा है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार वक्फ को सपोर्ट कर रही है और किसानों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। कर्नाटक में किसानों की जमीन को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताए जाने के मामले पर राज्य में सियासी हंगामा खड़ा हो गया है। दरअसल इन किसानों की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया था, जिसे लेकर कर्नाटक में राजनीतिक विवाद गहरा गया है। इसी कड़ी में किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने हुबली में वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी JPC के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल से मुलाकात की और कांग्रेस सरकार की मिलीभगत से किसानों की जमीन वक्फ की बताए जाने के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। किसानों से मुलाकात के बाद जगदम्बिका पाल ने कहा, किसानों का कहना है कि वो लगभग 70 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वक्फ बोर्ड उनकी जमीन पर स्वामित्व का दावा कर रहा है। वहीं बसवराज बोम्मई ने कहा, यह सत्ता के दुरुपयोग का मामला है जहां किसानों की जमीन को वक्फ संपत्ति में बदल दिया गया। यहां तो कर्नाटका में ऐसा लग रहा हुबली में कि जैसे कोई इस समय एक दौर चल रहा है कि जो किसानों की जमीन हो, यहां तक देवालय की हो, मठ की हो, 500 साल पुरानी हो, 1000 वर्ष पुरानी हो, उसको भी वक्फ की प्रॉपर्टी को क्लेम किया जा रहा है। दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ वक्फ पावर्स। द वक्फ पावर्स आर वेरी वेल डिफाइंड, बट हाउएवर इन कर्नाटका द प्रेजेंट गवर्नमेंट एंड द वक्फ अदालत मिनिस्ट्रीज हैव टोटली मिसयूज्ड इट।
इस बीच प्रभावित किसानों ने बेंगलुरु में देवनहल्ली जिले के प्रभारी मंत्री के एच मुनियप्पा के आवास के सामने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं जगदम्बिका पाल की किसानों के साथ बैठक को कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम डीके शिवकुमार ने राजनीतिक स्टंट करार दिया। उन्होंने कहा, प्रदेश की भूमि से जुड़ा यह विषय राज्य का है, न कि जेपीसी का। It is a state land, is a state subject. इस बीच कर्नाटक वक्फ बोर्ड के 114 किसानों को नोटिस भेजने के अलावा ऐतिहासिक बिदर फोर्ट के 17 मॉन्यूमेंट्स को चिन्हित करके अपनी संपत्ति बताया। खबरों को माने तो वक्फ बोर्ड ने सत्ता का संरक्षण हासिल करके ASI प्रोटेक्टेड कई इमारतों पर भी दावा ठोक दिया है। RTI से खुलासा हुआ है कि कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने राज्य के 53 ऐतिहासिक स्मारकों पर अपना दावा किया है। इन स्मारकों में कुलबर्गी का किला, गोल गुंबज, बिदर का किला जैसे दर्जनों ऐतिहासिक महत्व की जगह शामिल है। हालांकि किसानों के प्रदर्शन के बाद कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार ने विजयपुर, धारवाड़, यादगीर जिलों में जिन किसानों की जमीन पर कब्जा कर लिया था उसे खारिज कर दिया गया। हुबली, बीदर, गुलबर्गा, शिवमोग्गा सहित कर्नाटका के कई जिलों में एक समस्या आ गया है, लेकिन कर्नाटका के किसानों के साथ और कर्नाटका के लोगों के साथ न्याय दिलाने का बात इन्होंने कही है। कैमरामैन विनोद के साथ शुभा हत्तरली, DD News, बेंगलुरु। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के मुद्दे पर महाविकास आघाड़ी को घेरा है। महाराष्ट्र के शिराला में एक चुनावी जनसभा में उन्होंने महाविकास आघाड़ी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर महाआघाड़ी की सरकार सत्ता में आती है तो ये किसानों की जमीन वक्फ बोर्ड को दे देगी। मैं पवार साहब को पूछने आया हूं, उद्धव जी को पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए वक्फ बोर्ड का आप समर्थन करोगे या विरोध करोगे? वो जवाब नहीं देंगे। मैं आपको बता देता हूं, वो वक्फ बोर्ड का विरोध करेंगे सिराला वालों। और अघाड़ी की सरकार गलती से भी आ गई तो किसानों की भूमि वक्फ बोर्ड के नाम पर करने का भी काम करेगी वक्फ बोर्ड के नाम पर। मगर आप चिंता मत करो, केंद्र में आप लोगों ने नरेंद्र मोदी सरकार बनाई है, नरेंद्र मोदी सरकार। और लाख दावे के बाद भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार प्रदूषण को कम करने में पूरी तरह से नाकाम रही है। लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए अब केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने पराली जलाने पर जुर्माने के नए नियम तय कर दिए हैं। अब जमीन के आकार के आधार पर जुर्माने की राशि तय की जाएगी। 2 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को 5,000 रुपये, 2 से 5 एकड़ वाले किसानों को 10,000 रुपये और 5 एकड़ से अधिक किसानों पर पराली जलाने पर 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की ताजा रिपोर्ट बताती है कि यमुना का पानी जहरीला बना हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि यमुना में 2 तरह के प्रदूषण तत्व हैं, रसायन और सीवेज। रसायन फैक्ट्री और कारखानों से आती है जबकि सीवेज घरों से आता है। DD News के वरिष्ठ संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने बात करते हुए पर्यावरण विद और खाद्य मामलों की जानकार निशा अग्रवाल से प्रदूषण यमुना को लेकर क्या उन्होंने वजह बताई हैं और क्या यमुना की नदी बेहतर स्थिति का सामना कर रही है, इसी पर उन्होंने खास बातचीत की है। राजधानी दिल्ली की प्रदूषित यमुना को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। आज यमुना में आचमन करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। आखिर क्या वजह है और क्यों नहीं यमुना पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त हो पाती है? हमारे साथ निशा अग्रवाल जी मौजूद हैं, जो न सिर्फ पर्यावरणविद है बल्कि खाद्य मामलों की जानकार भी हैं। क्या आपको लगता है कि यमुना जो है पहले से पॉल्यूटेड है, यमुना में जो पानी आ रहा है वो पीछे से पॉल्यूटेड आ रहा है, या कोई और खास वजह? दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की एक रिपोर्ट है जिसके हिसाब से तो यही पता लगता है कि यमुना का पानी पीछे से इतना पॉल्यूटेड नहीं है जितना वो दिल्ली में आकर हो गया। दिल्ली में आने के बाद यमुना पाला, वजीराबाद, ISBT ब्रिज, ITO ब्रिज, निज़ामुद्दीन ब्रिज, ओखला बैरेज जैसी जगहों से निकलती है, जिसमें पाला में जब वह आती है तो उसका पॉल्यूशन का लेवल स्तर उतना नहीं है। जैसे कि पीएच का की अगर हम बात करें
तो वो न्यूट्रल रेंज में आता है। डिसॉल्वड ऑक्सीजन का लेवल जो पहले 9.6 mg पर लीटर था, वह धीरे धीरे ख़त्म ही होता चला जाता है। इसका मतलब रिवर इतनी पॉल्यूटेड हो गई है कि उसमें कोई ऑक्सीजन बची ही नहीं, कोई भी जीव जंतु उसमें अब सांस नहीं ले पाएगा। क्या ऐसी कोई रिपोर्ट है जिसमें पहले का कुछ डेटा है जिसमें दिल्ली की यमुना की स्थिति को दिखाया गया है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ही एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस के बारे में जिक्र किया गया है कि पूरे देश में कितनी रिवर्स पॉल्यूटेड हैं। पॉल्यूशन का स्तर बताने के लिए उनको 5 कैटेगरीज में प्रायोरिटाइज किया गया है। दिल्ली की जो एक नदी है जिसका पॉल्यूशन स्तर पहले भी वो क्वालिटी नंबर 1 पर ही थी, 2018 में भी और 22 में भी वो नंबर 1 पर ही देखी गई है। अगर हम इसके दूसरे पहलू को समझें तो पॉल्यूटेड यमुना का पर्यावरण पर, मानव जीवन पर या जो जलीय जीवन है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है वो देख रही हैं। इस पॉल्यूटेड रिवर का कई जगह असर पड़ता है। सबसे पहले तो एनवायरनमेंट पर ही पड़ता है। जो जनजीवन इसके अंदर है, इस पानी के अंदर है, जो मछलियाँ इसमें पनपती हैं वो जिंदा नहीं रह पाएंगी। जो इस रिवर के किनारे पर जो लोग रहते हैं, जो इसी पानी का इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए, खाने के लिए, अपने नहाने के लिए, उनके लिए यह पानी बहुत नुकसानदायक है। स्वच्छ यमुना को करने के लिए किस तरह की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए? जब यमुना हमारी इतनी गंदी हो चुकी है तो हमें भी अपने पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए, इसमें गंदगी को नहीं फेंकना चाहिए। जो यमुना है वो पीछे से स्वच्छ आ रही है लेकिन दिल्ली में आकर इसका पॉल्यूशन जो है लगातार बढ़ रहा है। कालिंदी कुंज के यमुना घाट से कैमरामैन मोंटी के साथ अमरेंद्र गुप्ता, DD न्यूज दिल्ली। और उदीयमान भगवान भास्कर को आराध्य अर्पित करने के साथ ही 4 दिनों से चला रहा महापर्व छठ संपन्न हो गया। बिहार समेत देश के तमाम हिस्सों में उगते हुए सूर्य को आराध्य दिया गया। इस समय घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। छठ पर्व के अंतिम दिन उगते हुए सूरज को आराध्य अर्पित करने के साथ ही छठ व्रतियों ने सूर्य की उपासना की और इसके बाद प्रसाद ग्रहण करने के साथ ही 36 घंटे के व्रत का पारण हो गया। नहाए खाए से शुरू होने वाला ये पर्व आज संपन्न हुआ। बिहार के पटना, झारखंड के रांची, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, ओडिशा के भुवनेश्वर, तमिलनाडु के चेन्नई और महाराष्ट्र के मुंबई में उगते सूर्य को आराध्य देने के साथ ही पर्व संपन्न हुआ। छठ का व्रत संतान की लंबी उम्र और उनकी खुशहाल जीवन के लिए रखा जाता है। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। मंडियों में इन दिनों सेब की आवक सामान्य है। हाजिर भाव को देखें तो गुरुवार को गुरुग्राम और पुणे मंडी में सेब के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं नरवाल मंडी में गिरावट देखने को मिली, जबकि कांगड़ा मंडी में इस दौरान कोई बदलाव नहीं हुआ। एगमार्कनेट के मुताबिक हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में 6 नवंबर को सेब का भाव था 7,000 रुपए। 7 नवंबर को इसके भाव में 500 रुपए की तेजी आई और भाव 7,500 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सेब के भाव स्थिर रहे। यहां 6 और 7 नवंबर को सेब 7,000 रुपए पर बिका, जबकि जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में इस दौरान सेब के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 6 नवंबर को डिलीशियस क्वालिटी का सेब का भाव रहा 7,000 रुपए। 7 नवंबर को इसके भाव में 1,000 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 6,000 रुपए पर आ गया। हालांकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बीते बुधवार को सेब का भाव था 8,000 रुपए, गुरुवार को इसके सौदों में 1,000 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 9,000 रुपए प्रति क्विंटल। देश की दूसरी मंडियों में सेब के भाव को देखें तो पंजाब की लुधियाना मंडी में गुरुवार को सेब का भाव रहा 3,500 रुपए, राजस्थान की जोधपुर मंडी में सेब 7,000 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में इस दौरान डिलीशियस क्वालिटी के सेब के सौदे 7,180 रुपए पर हुए। वहीं बात सेब की पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर देश में सेब की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए
तीसरे अग्रिम अनुमान के ताजा आंकड़ों को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर सेब की उपज 26,99,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की पैदावार 26,75,000 मीट्रिक टन रही थी। यानी साल सेब की पैदावार में 24,000 मीट्रिक टन की बढ़त देखने को मिल सकती है। उम्मीद है कि इसका असर सेब के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। सेब के निर्यात पर नजर डालें तो एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक सेब के निर्यात में कमी आई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश से होने वाले सेब का निर्यात 21,852 मीट्रिक टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब का निर्यात 52,875 मीट्रिक टन का हुआ था। यानी साल 2023-24 के दौरान सेब के निर्यात में 31,023 मीट्रिक टन की कमी देखने को मिली है। बता दें कि भारत ने सबसे ज्यादा सेब का निर्यात नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, कतर और मालदीव और ग्रीस के अलावा दूसरे कई और देशों को भी किया है। गुरुवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में अरंडी की आवक सामान्य देखने को मिली। बात हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की धनेरा मंडी में 6 नवंबर को अरंडी का भाव रहा 6,375 रुपए। 7 नवंबर को उसके भाव में 35 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 6,410 रुपए। जबकि राज्य की ही जम्बूसर मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदों में भारी गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहां 6 नवंबर को अरंडी का भाव था 4,800 रुपए, 7 नवंबर को इसके सौदे 2,500 रुपए रुढ़क कर 2,300 रुपए पर हुए। इसी तरह राजकोट मंडी में बीते बुधवार को अरंडी का भाव रहा 6,025 रुपए, गुरुवार को इसके सौदों में 25 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 6,000 रुपए। सेमी मंडी में 6 नवंबर को अरंडी का भाव था 6,450 रुपए, 7 नवंबर को इसके भाव 25 रुपए नरम होकर 6,425 रुपए पर हुए। गुजरात की ही दूसरी मंडियों में अरंडी के भाव को देखें तो गुरुवार को यहां की दाहोद मंडी में अरंडी का भाव रहा 6,150 रुपए, मेहसाणा मंडी में अरंडी 6,435 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही सिद्धपुर मंडी में अरंडी के सौदे 6,400 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय ने कुछ समय पहले ही अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में खरीफ अरंडी पैदावार 19,59,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ अरंडी की उपज 19,80,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में 21,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर अरंडी के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। और मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश के किसान प्याज की बुवाई कर लें। हिमाचल के किसान गेहूं की बुवाई भी शुरू कर सकते हैं। गेहूं की बुवाई से पहले बीज को अच्छी तरह से साफ कर लें। हिमाचल के किसान साफ मौसम देखकर मटर की मध्य और देर से बोई जाने वाली किस्मों की बुवाई कर सकते हैं। यहाँ के किसान शुष्क मौसम में मिट्टी की नमी को बनाए रखें, साथ ही लहसुन की खेत में हल्की सिंचाई कर लें। हिमाचल प्रदेश में चना और सरसों की बुवाई कर लें। निचले वर्षा आधारित क्षेत्रों में शलजम और मूली की बुवाई कर लें। वहीं उत्तराखंड के किसान सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने पर गेहूं की बुवाई करें। साथ ही यहाँ के किसान अभी के समय जौ की बुवाई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। उत्तराखंड के किसान सरसों की 15 से 20 दिन पुरानी फसल में निराई और गुड़ाई कर लें। यहाँ के किसान पालक और धनिया जैसी फसलों की भी निराई और गुड़ाई कर सकते हैं। उत्तराखंड के किसान शरदकालीन गन्ने की बुवाई पूरी कर लें। उत्तराखंड के किसान अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए
मूली की पूसा मृदुला किस्म का चुनाव करें। बुवाई से पहले बीजोपचार जरूर कर लें, साथ ही उत्तराखंड के किसान तिल की कटाई कर लें। बात करें जम्मू कश्मीर की तो यहाँ के किसान रब्बी फसलों की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। जहाँ मिट्टी सूखी हो वहाँ बुवाई से पहले सिंचाई कर लें। यहाँ के किसान मक्के की बुवाई से पहले खेत की 3 से 4 बार जुताई कर लें, साथ ही ज़रूरत होने पर बुवाई से पहले खेत में सिंचाई कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। गाजर की खेती के लिए बलुई दोमट और दोमट मिट्टी सबसे अधिक ठीक रहती है। जिस खेत में आप गाजर बो रहे हो उसमें से पानी निकालने का पूरा प्रबंध होना चाहिए। मेड़ों पर फसल बोने से जल भराव का खतरा कम हो जाता है। 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बोने से पहले खेत की मिट्टी को भुरभुरा बना ले। कतार से कतार के बीज की दूरी करीब 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बोते समय 1 हेक्टेयर जमीन में 30 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और इतनी ही मात्रा में पोटेशियम देनी चाहिए। बुआई के 25 से 30 दिन बाद 15 किलो नाइट्रोजन दे दे और 45 से 50 दिन बाद भी 15 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे। जब बीज उगाए तो 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। गाजर की फसल के साथ अनेक खरपतवार उगाते हैं जो भूमि में नमी और पोषक तत्व लेते हैं, जिसके कारण गाजर के पौधों का विकास और बढ़वार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन्हें खेत से निकालना बहुत आवश्यक हो जाता है। निराई करते समय पंक्तियों से अनावश्यक पौधे निकालकर मध्य की दूरी अधिक कर देनी चाहिए। साथ ही बड़ी हुई जड़ों में हल्की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। गाजर की फसल पर मुख्य रूप से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा पंप की मदद से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। गाजर की फसलों में आद्र गलन रोग के कारण बीज के अंकुरित होते ही पौधे संक्रमित हो जाते हैं, जिससे तने का निचला भाग जो भूमि की सतह से लगा रहता है सड़ जाता है। फलस्वरूप पौधे वहीं से टूट कर गिर आते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर बीजोपचार कर लें। गाजर की जड़ों की खुदाई तभी करें जब वे पूरी तरह विकसित हो जाएं। खेत में खुदाई के समय पर्याप्त नमी रखें, साथ ही फसलों को सुखाकर उचित स्थान पर भंडारित करें। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब 3 जजों की नई बेंच सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 4/3/1967 के अजीज बाशा मामले के दिए गए उस फैसले को खारिज कर दिया जिसके आधार पर एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने से इनकार किया गया था। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कनाडा में खालिस्तानियों द्वारा हिंदुओं पर हमले को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि विपक्ष हिंदुओं के लिए खड़े होने के बजाय भारत पर कीचड़ उछालने का काम कर रहा है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने वायनाड लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका वाड्रा पर बड़ा आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है कि प्रियंका वाड्रा जमाते इस्लामी के समर्थन से वायनाड में चुनाव लड़ रही हैं। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।